हेलो बीएससी सेकंड स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में हमारा हॉट टॉपिक चल रहा है ओपेरोन मॉडल, और ओपेरोन मॉडल में आज हम पढ़ रहे हैं इंड्यूसिबल। इंड्यूसिबल ओपेरोन मॉडल, और इसमें एक्चुअली में आज हम जो पढ़ रहे हैं इंड्यूसिबल में, उसमें हम पढ़ेंगे लैक ओपेरोन। अकॉर्डिंग टू जैकब एंड मोनार्ड, ओपेरोन में उन्होंने जीन को दो भागों में बांटा है, स्ट्रक्चरल जीन एंड कंट्रोलर जीन। तो यहां पे डायग्रामेटिकली एक सिंपल एसेप्ट देखें तो ये हो गया जीन स्ट्रक्चर, दैट इज आई जीन। आई जीन ये हो गया पी जीन, ठीक है, और ये इसके ऊपर हो गया एक कैट साइट, दैट इज ओ जीन, और ये है इसकी स्ट्रक्चरल जीन जिसको हम कह देते हैं जेड लैक जीन, वाई लैक जीन एंड अल्फा लैक जीन, ठीक है। आई जीन की अगर अपन बात करें तो आई जीन जो है वह स्वतंत्र रूप से कोड करती है 5' to 3' ओन mRNA, और ये mRNA जो है वो कोड करता है एक प्रोटीन, और ये प्रोटीन जो है वो को बनाता है एक तरीके से दैट इज रीप्रेशर। That is रिप्रेशर प्रोटीन। यहाँ खास बात जो है रिप्रेशर की वो हमें याद रखनी चाहिए। रिप्रेशर की बात करें तो दैट इज एक्टिव। लैक ओपेरोन का जो रिप्रेशर प्रोटीन है वो कैसा है, सक्रिय है, अर्थात ये ऑपरेटर की विशिष्ट सिक्वेंस से बंद बनाने में सक्षम होता है, ठीक है। पी जीन ओ जीन, पी जीन की हम बात करें तो ये कैपेबल है किसके लिए, कैट के लिए, और कैपेबल है किसके लिए, डीएनए पॉलीमरेज के लिए। तो कैट साइट की तो हमको इतनी आवश्यकता नहीं है अभी, क्योंकि हम अगले सेशन में इसको देखेंगे क्या काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे सिंपल वे में ये क्या कर रही है, पी जीन फॉर डीएनए पॉलीमरेज एंड ओ जीन फॉर बाइंडिंग साइट किसके लिए, रिप्रेशर जीन के लिए। एक बार स्ट्रक्चरल पे आते हैं, ये हो गए स्ट्रक्चरल जीन और ये हो गए रेगुलेटर। दैट इज रेगुलेटर और ये हो गई स्ट्रक्चरल जीन। यहां अगर अपन जेड की बात करें तो जेड स्वतंत्र रूप से अपना एमआरएनए कोड कर रहा है, वाई अपना एमआरएनए और अल्फा भी अपना एमआरएनए, मतलब बनता एक साथ ही है, लेकिन फिर प्रोटीन संश्लेषण के लिए ये क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र रूप से क्लीवेज, क्योंकि प्रोसेसिंग प्रोसेस, और प्रोसेसिंग की बात करें तो इसकी प्रोसेसिंग में स्प्लाइस, वो क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग जो है स्ट्रेटर्जी वो कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि वो केवल यूकेरियोट्स के अंदर ही पॉसिबल है। यहाँ पे अगर अपन कहें तो इनके ऊपर होगा कैपिंग एंड एडिनाइलेशन, पॉली एडिनाइलेशन कंप्लीट होगा। जो लैक जेड एमआरएनए है ये यहाँ पे कोड करता है बीटा ग्लेक्टो साइडेज, क्लियर है, और ये बीटा ग्लेक्टो साइडेज एंजाइम जो है
ये क्या कर सकता है, लैक्टोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन कर सकता है इनटू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, क्लियर है, हो गया यहां पे। लैक जेड की बात, वो सॉरी वाई की बात करें तो लैक वाई जीन बनाता है बीटा गैलेक्टो साइडेज परमिएज, जो कि एटीपीएज रिएक्शन द्वारा एक तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से परमिशन या ग्रांट के रूप में यहां पे प्रयुक्त होता है। एक्चुअली में तो हमें तीन एंजाइम्स की जरूरत ही नहीं है, हमको तो केवल यहां पे बात करनी है किसकी, गैलेक्टो साइडेज की, लेकिन ये तीन एंजाइम्स भी स्ट्रक्चरल जीन में है इसलिए हम इनको क्या कर रहे हैं यहां पे कोड। थर्ड वन जो है अल्फा, अल्फा कोड करता है ग्लेक्टोसाइडेज ट्रांस एसिटाइलेज, क्लियर है। तो ये दोनों एंजाइम्स इसके ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, और स्टोरेज से संबंधित है, ये पाचन से संबंधित है, ग्लूकोज एंड ग्लेक्टोज कन्वर्ट इनटू मेन सोर्स हेक्सोज, दोनों का एक ही है C6H12O6, ठीक है। और अगर इनकी संरचना की बात करें तो ग्लेक्टोज और ग्लूकोज, तो ग्लूकोज की डी हेलिक्स की अगर अपन बात कर रहे हैं तो उसके चौथे कार्बन जो है असममित कार्बन, उस पर घूर्णन कौन सी, वामाव्रत, OH की जगह मतलब H, मतलब वामाव्रत घूर्णन को कॉज करें तो वो क्या बन जाता है, ग्लेक्टोज। तो ग्लेक्टोज एंड ग्लूकोज केवल एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, बाकी सब कुछ क्या है, सेम। तो ग्लेक्टोज ये कंप्लीट, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ लैकोपिरोन कन्वर्ट या क्या बोलते हैं डिफरेंशिएट इनटू रेगुलेटर और स्ट्रक्चरल जीन। रेगुलेटर चाहे यूकेरियोट्स हो चाहे प्रोकेरियोट्स, प्रोकेरियोट्स में हम यूकेरियोट्स में हम कुछ नाम बदल सकते हैं, साइज बदल सकते हैं, लेकिन व्यवस्था ये तीन ही जीन होती हैं, ठीक है, जो कि आई जीन, पी जीन और ओ जीन के रूप में रिप्रेजेंट होती हैं। अब आई जीन बना रहा है रिप्रेशर, लैक जेड, लैक वाई और अल्फा जो है वो स्ट्रक्चरल जीन्स के रूप में यहाँ पे अपन ने व्याख्या कर दी। अब अगर हम लैक ओपेरोन की बात करते हैं, इंड्यूसिबल है नहीं है, इसकी अगर अपन व्याख्या करें तो इसको समझने के लिए हमें एक एक्सपेरिमेंटल बेस पे इसको आगे होना होगा। तो एक्सपेरिमेंटल बेस के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट यहां पे अपने पास स्थान कम है इसलिए यही लिख देते हैं, व्हेन लैक्टोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन मीडियम, ठीक है, व्हेन लैक्टोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन मीडियम, अर्थात लैक्टोज मॉलिक्यूल का मीडियम में उपस्थिति क्या होगा इन सारी चीजों में। अगर अपन मीडियम की बात कर रहे हैं तो आई जीन के लिए मैं प्रारंभ में कह चुका हूं कि लैक्टोज की उपस्थिति अनुपस्थिति का कहीं कोई लेना देना नहीं है, तो हमारा पहला स्टेप है व्हेन लैक्टोज मॉलिक्यूल अब्यूडेंट, तो ये लैक्टोज मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो गया, अब्यूडेंट मात्रा में हम ड्रॉ कर रहे हैं इनटू द मीडियम, ठीक है, दैट इज लैक्टोज, ठीक है, लैक्टोज, क्लियर है, लैक्टोज मॉलिक्यूल। अब्यूडेंट इन द मीडियम, तो क्या होगा इस स्टेप में, जब माध्यम में लैक्टोज की उपस्थिति बहुत ज्यादा है तो ऐसे में रिप्रेसर प्रोटीन इन एक्टिव फॉर्म एंड कैपेबल टू बाइंड विद ऑपरेटर जीन, ये ऑपरेटर से जुड़ा हुआ है कौन, रिप्रेसर प्रोटीन नॉर्मल, क्योंकि ये किस फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म में है, ठीक है, ये पोजीशन में है, रिप्रेशर प्रोटीन जोड़ा हुआ है किससे, ऑपरेटर से, तो ऐसे में पी जीन के लिए यहां पे कोई स्थान नहीं बचता, और कोई स्थान नहीं बचता तो ये कैन नॉट बी एबल टू बाइंड विद आर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और जब तक डीएनए पॉलीमरेज जुड़ नहीं सकता वो इनिशिएट कर भी नहीं सकता और एलोंगेट भी नहीं कर सकता, ऐसे में जो जीन है वो एक्सप्रेशन कैसा रहता है, ऑफ,
क्लियर है, ये तो थी नॉर्मल सिचुएशन जब माध्यम में लैक्टोज नहीं था। तो हमारी स्टेप फर्स्ट क्या कह रही है, स्टेप फर्स्ट कह रही है कि व्हेन द लैक्टोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द मीडिया, मीडिया के अंदर लैक्टोज मॉलिक्यूल आ गए, तो यहाँ पे लैक्टोज मॉलिक्यूल क्या करेंगे, लैक्टोज मॉलिक्यूल यहाँ पे एक कंपिटेटिव इनहिबिशन, दैट इज कंपिटेटिव इनहिबिशन, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रतियोगितात्मक, प्रतियोगितात्मक इनहिबिशन का मतलब होता है संदमन। ये संदमक का कार्य तो कर रहा है रिप्रेशर, इनहिबिट कर रहा है, तो इनहिबिट में हम यहां पे कौन सा इनहिबिशन ले रहे हैं, प्रतियोगितात्मक, अर्थात यहां पे सेम मॉलिक्यूल से एक बाइंडिंग साइट कोडोन है ओ जीन पे, एक हमारे पास में है लैक्टोज, तो ऐसे में जब लैक्टोज नहीं था तो सांद्रता की कमी के कारण रिप्रेशर प्रोटीन एक्टिव था और उसे बाइंडिंग करनी थी, तो बाइंडिंग किससे कर लेता है, ऑपरेटर से, जिसकी वजह से संपूर्ण जीन क्या हो जाती है, ऑफ कंडीशन में आ जाती है। परंतु जब माध्यम में लैक्टोज की सांद्रता बढ़ती है तो सांद्रता बढ़ने के साथ में लैक्टोज की ग्राहिता भी बढ़ेगी, क्लियर है, और ऐसे कंडीशन में जो ही लैक्टोज की ग्राहिता बढ़ती है, यह रिप्रेशर प्रोटीन और यहाँ पे जो बन रहा है, क्योंकि ये एंजाइम्स में हमने पूरा कोडिंग की थी, एंजाइम्स में क्या थ्योरी है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, देन क्या बनता है, प्रोडक्ट एंड एंजाइम रिमूव, तो ऐसे में यहाँ पे क्या कर रहा है, जो सबस्ट्रेट है उसमें और किसमें, एक दूसरे कैटाबोलिक में कंपटीशन है, प्रतियोगिता, और इस प्रतियोगिता में जिसकी सांद्रता ज्यादा होती है वो ज्यादा हैवी है, तो ऐसे में लैक्टोज की सांद्रता बढ़ते ही ये प्रतिस्थापन कर देगा किसका, ओ जीन का, और ओ जीन के प्रतिस्थापित होते ही रिप्रेशर प्रोटीन से क्या हो जाएगा, ये बाइंड हो जाएगा। ये हमको अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो हम इसको एक दूसरे कैटेगरी से समझ जाता हूं आपको। हमने यहां पे फिशर की एक थ्योरी पढ़ी थी एंजाइम्स में, कौन सी, लॉक एंड की थ्योरी, और एक थी इंड्यूस फिट थ्योरी कॉसलैंड। इंड्यूस फिट थ्योरी किसने दी, कॉसलैंड ने, लॉक एंड की थ्योरी किसने दी, फिशर ने, तो ऐसे में दोनों की थ्योरीज को अगर अपन यहां अप्लाई करें तो क्या होता है, लॉक, ताला, ताले में एक फिक्स छेद होता है जिसमें उसी की चाबी अंदर जाती है, चाबी के अंदर ग्रूव्स बने होते हैं, ताले के अंदर उसके एंटी ग्रूव्स बने रहते हैं लीवर्स पे, तो जो ही एप्रोप्रिएट चाबी ताले में जाएगी वो घूमेगी और लीवर्स को खोलेगी, जिसकी वजह से लॉक या तो ओपन होएगा या क्लोज हो जाएगा, अर्थात एक ताले को उसी की चाबी खोल सकती है, दूसरा उसके ऊपर कार्य नहीं कर सकती। ऐसे में यहाँ पे लॉक जो है उसको हम मान सकते हैं एक तरीके से सबस्ट्रेट, की को हम मान सकते हैं एंजाइम, अर्थात एक एंजाइम अपने निश्चित सबस्ट्रेट से ही जुड़ सकता है और उसी को ही क्या कर सकता है, ब्रेकडाउन, संयोजन या एनाबॉलिक या कैटाबॉलिक, दोनों में से कोई भी एक रिएक्शन को वो वहां पे कर सकता है, क्लियर है, वही चीज यहां है। तो यहां पे जब लैक्टोज बाइंड हो जाता है तो ये अपनी ओपेरोन मतलब ओ जीन से बंधनकारी क्षमता खो देता है और इसकी ओ जीन से बंधनकारी के कारण रिप्रेशर क्या हो गया, ये आ गया वापस, एंड रिप्रेशर कैसा हो गया, अब वापस एक्टिव, यहां पे जाके कैसा था, इनएक्टिव, और यहां पे क्या हो गया, एक्टिव, इसको भी मिटा दीजिए लाइन को भी, तो ये अब कैसा है, एक्टिव फॉर्म में, तो इसको चाहिए कि ये बंड बनाए, तो इसकी जगह क्या आ जाता है, यहां पे रिप्लेस कौन कर देता है इसको, लैक्टोज, और ये लैक्टोज इससे जाके क्या हो जाता है, बाइंड, इसकी वजह से ये क्या हो जाता है, वापस टेम्परेरी इनएक्टिव, और इसके इनएक्टिव होते ही हम इसको क्या बोलेंगे, रिप्रेशर को या इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स, रिप्रेशर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स, हमने इसको ये नाम दिया, क्लियर है, जिसकी वजह से रिप्रेशर क्या हो गया, इनएक्टिव, और ये जो ओ साइट है ये क्या हो गई, एम्प्टी, तो इस ओ साइट के एम्प्टी होते ही अब यहां पे क्या जगह बच गई, पी साइट, और पी साइट किसके लिए थी, फॉर डीएनए पॉलीमरेज, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज,
और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के जुड़ते ही जो ही कैटकैम्प इससे जुड़ेगा पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा, दैट इज इनिशिएशन। तो सबसे पहले किसको कोड करेगा, जेड को, जेड करेगा ग्लैक्टोसाइडेज, ग्लैक्टोसाइडेज जो है वो लैक्टोज का पाचन कर देगा किस में, ग्लूकोज में एंड ग्लैक्टोज, क्लियर है। फिर वाई जीन का संश्लेषण और फिर अल्फा जीन का ट्रांस मतलब अभिव्यक्ति संभव होगी। तो ऐसे में यहाँ पे लैक्टोज की उपस्थिति और कॉम्प्लेक्स बनने के कारण ओपेरॉन जो है वो क्या हो गया, ऑन। तो इसको आप बोल सकते हो ओपेरॉन इज ऑन कंडीशन, ओपेरॉन किस कंडीशन में है, ऑन कंडीशन में। और ये कब तक होएगा, जब तक कि संपूर्ण लैक्टोज का पाचन नहीं हो जाता, ग्लैक्टोसाइडेज का संश्लेषण कंटिन्यू रहेगा। क्यों, क्योंकि इसको कोई रोकने वाला नहीं है। कौन रोकने वाला था, ऑपरेटर, ऑपरेटर पर रिप्रेशर प्रोटीन, रिप्रेशर प्रोटीन अब सक्रिय नहीं है, क्लियर है, कंप्लीट। अब आइए स्टेप सेकंड पे, स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड क्या कह रहा है, व्हेन लैक्टोज मॉलिक्यूल एब्सेंट इन मीडियम, क्या हो रहा है, लगातार ग्लैक्टोसाइडेज के बनने से यहां पे लैक्टोज की सांद्रता धीरे धीरे क्या हो रही है, अब कम, और ग्लूकोज और ग्लैक्टोज की सांद्रता क्या हो रही है, ज्यादा, ठीक है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज की सांद्रता क्या हो रही है, ज्यादा। तो ऐसे में जो ग्लैक्टोसाइडेज है वो क्या करे, बना हुआ है तो यही तो सबसे बड़ी चीज है रेगुलेशन की, कि यहां पे अगर प्रोटीन बना हुआ है तो वो कुछ ना कुछ करेगा, ठीक है, तो वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो ऐसे में ये क्या करेगा, इस कॉम्प्लेक्स को ब्रेक कर देगा और इसमें से लैक्टोज और जो रिप्रेशर बॉन्ड था उसको क्या कर देगा, ब्रेक, और लैक्टोज को पचा देगा। तो ऐसे में रिप्रेशर प्रोटीन अगेन क्या हो गया, एक्टिव, और ये जो कॉम्बिनेशन था हमारा कॉम्प्लेक्स का, ये क्या हो गया, बिगड़ गया, कॉम्प्लेक्स अब नष्ट हो चुका है, केवल रिप्रेशर प्रोटीन बचा है जो कि क्या है, अब एक्टिव। तो ऐसे में ये तुरंत रिप्रेशर प्रोटीन जो है ये जाके किसको प्रतिस्थापित कर देगा, वही कॉम्पिटेटिव, ये डीएनए पॉलीमरेज को यहां से हटा देगा अब, और डीएनए पॉलीमरेज के हटते ही ये क्या हो जाएगा, ऑपरेटर से वापस जुड़ जाएगा डीएनए पॉलीमरेज। और ऐसे में जो ही ऑपरेटर से जुड़ेगा, डीएनए पॉलीमरेज के बंद बनाने के लिए यहां पे कोई स्थान नहीं बचेगा, और जब नहीं बचेगा तो यहां पे कोई भी एमआरएनए का कोडिंग नहीं होगी, जब एमआरएनए की कोडिंग नहीं होगी तो किसी भी प्रकार के प्रोटीन की कोडिंग भी नहीं होगी। और यहां लिख सकते हैं नो प्रोटीन या एंजाइम विल बी सिंथेसाइज, नो प्रोटीन्स विल बी सिंथेसाइज, और ये जो ओपेरॉन है वो क्या हो जाएगा, ऑफ कंडीशन में हो जाएगा, दैट इज सेल्फ रेगुलेशन सिस्टम बाय द कंसेंट्रेशन ऑफ लैक्टोज, ठीक है। तो लैक्टोज की उपस्थिति ने ही लैक्टोज के पाचन को क्या किया, स्टिमुलेट किया। तो यहाँ पे तीन नाम देखिए, लैक्टोज के पाचन से संबंधित है, दैट इज लैक ओपेरॉन सिस्टम या लैक ओपेरॉन मॉडल। दूसरा, यहाँ पे खुद लैक्टोज जो है वो इसके ही संश्लेषण, सॉरी पाचन को क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, प्रेरित कर रहा है, इसलिए यहाँ पे लैक्टोज क्या नाम कहलाएगा, इंड्यूसर, और ये ओपेरॉन सिस्टम क्या कहलाता है, इंड्यूसिबल ओपेरॉन सिस्टम, ये है इसका दूसरा नाम, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्लियर है। तीसरा, यहाँ पे रेगुलेशन पढ़ रहे हैं, रेगुलेशन का मतलब हमको प्रोटीन संश्लेषण या जीन एक्सप्रेशन को रोकना है और एनर्जी को सेव करना है, लेकिन यहाँ पे लैक्टोज की उपस्थिति जो है जीन एक्सप्रेशन को बढ़ा रही है, एक चीज, दूसरा एनर्जी उसमें खर्च हो रही है। तो यहाँ पे जो रेगुलेशन सिस्टम है वो किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो हम इसको नेगेटिव कंट्रोल डायरेक्शन में भी इंडिकेट कर सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज नेगेटिव ओपेरॉन सिस्टम, ठीक है। चौथा नाम हम एक और दे सकते हैं, यहाँ पे पाचन से संबंधित है, लैक्टोज का पाचन हो रहा है इस इंड्यूसिबल ओपेरॉन में, तो इसलिए हम इसको कैटाबोलाइक रिएक्शन या कैटाबोलिक ओपेरॉन भी कहते हैं। तो ये हमारे नाम है ओपेरॉन सिस्टम के लिए। अगली क्लास में हम यहाँ पे कैटाबॉलिक रिप्रेशन या पॉजिटिव कंट्रोल मैकेनिज्म को समझेंगे, ठीक है, पॉजिटिव कंट्रोल मैकेनिज्म को यहाँ पे समझेंगे।
तो एक बार रिवीजन, सिंपल रेगुलेटर जीन, दीज आर स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। और स्ट्रक्चरल जीन एंड रेगुलेटर जीन्स की अगर हम बात करें तो रेगुलेटर वही तीन हिस्से, आई जीन, पी जीन एंड ओ जीन। स्ट्रक्चरल जीन अलग अलग हो सकता है, जैसे ट्रिप ऑपेरॉन का अलग है, लैक ऑपेरॉन का अलग है, हिस्टिडिन ऑपेरॉन का अलग है, वो अलग अलग संरचना। अगर अपन यूकेरियोट्स की बात करें तो एक जीन, प्रोकेरियोट्स की बात करें तो दो से ज़्यादा जीन उसमें हो सकती हैं। आई जीन इंडिपेंडेंट है और वो अपने mRNA द्वारा कोड करती है रिप्रेशर प्रोटीन्स को, ये सदैव इन एक्टिव फॉर्म में है एंड एबल टू बाइंड विद ओ जीन, ठीक है। ओ जीन की वजह से यहाँ पे पॉलीमरेज जुड़ नहीं सकता और बिना DNA पॉलीमरेज के जीन जो है वो ट्रांसक्राइब नहीं होंगी या एलोंगेट नहीं होंगी। तो ऐसी कंडीशन में ओपेरॉन क्या रहेगा, ऑफ। हमारी फर्स्ट सिचुएशन व्हेन मीडिया में लैक्टोज उपस्थित है, लैक्टोज के आते ही लैक्टोज रिप्लेस द ओजिन और बाइंड विद रिप्रेशर प्रोटीन एंड मेक रिप्रेशर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे हमने इंड्यूसर लिखा है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे लैक्टोज इंड्यूसर की भूमिका निभाता है, लैक्टोज इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, निष्क्रिय। ऐसे में ये ऑपरेटर से अब जुड़ नहीं सकता, तो ऑपरेटर पे ना जुड़ते ही यहाँ पे जो जीन है वो पी जीन किसको बाइंड कर लेता है, आरएनए पॉलीमरेज को। आरएनए पॉलीमरेज के जुड़ते ही यहाँ पे, सॉरी डीएनए पॉलीमरेज के जुड़ते ही स्ट्रक्चरल जीन्स का क्या हो जाता है, शुरू एक्सप्रेशन। और वो कोड करती है डिफरेंट एंजाइम्स लाइक बीटा ग्लाइकोसाइडेज, और वो ग्लाइकोसाइडेज लैक्टोज का पाचन प्रारंभ कर देता है, कंप्लीट। अब सिचुएशन आती है सेकंड, क्योंकि धीरे धीरे जब लैक्टोज की कंसंट्रेशन डाउन हो रही है या एब्सेंट हो रहा है तो क्या होगा, तो ऐसे में जो ही लैक्टोज की कंसंट्रेशन डाउन हो रही है, बीटा ग्लाइकोसाइडेज जो है वो रिप्रेशर कॉम्प्लेक्स जो था, इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स, उसको क्या कर देगा, ब्रेक, जिसकी वजह से रिप्रेशर प्रोटीन वापस क्या हो जाएगी, स्टार्ट। और रिप्रेशर प्रोटीन के स्टार्ट होते ही या एक्टिव होते ही ये क्या कर देता है, वापस ओजिन से जुड़ेगा। ओजिन से जुड़ते ही डीएनए पॉलीमरेज के लिए बाइंडिंग साइट एम्प्टी नहीं रहेगी और बिना डीएनए पॉलीमरेज के सभी जीन स्ट्रक्चरल्स क्या हो जाएंगे, वापस रुक जाएंगे। और इसको हम बोलते हैं ऑफ कंडीशन। और यहाँ पे लैक्टोज से संबंधित जो ओपेरॉन है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप। अगेन जब तक लैक्टोज नहीं आता, दैट इज सेल्फ रेगुलेशन सिस्टम। इसको इसीलिए हम इंड्यूसिबल ओपेरॉन और लैक ओपेरॉन मॉडल के नाम से जानते हैं। आज की क्लास में इतना ही, ठीक है, थैंक्स।